हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही स्टाइलिश और फ्रीडी मिनिमल लैविश ग्रैंड डिफरेंट टाइप्स के आपको पंजाबी चूड़े दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने भी इस तरह की पंजाबी चूड़े खरीदे थे एंड दे लुक वेरी प्रिटी। जो भी पंजाबी ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स है, उसके हिसाब से आप पंजाबी को चूड़े को 6 महीने या फिर 3 मंथ्स जो भी आपको सेट होता है उस हिसाब से पहनते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स सिर्फ चूड़ा पहनना को बहुत एक्साइटमेंट और ये समझते हैं। सिर्फ पंजाबी कल्चर नहीं, पूरी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया ये फेमस है। मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स इसको एक इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से लाइक करते हैं, उसको पहनना पसंद करते हैं। आजकल जो चूड़े में पंजाबी चूड़े में बहुत ही डिस्टिंक्ट और यूनिक कलर्स निकले हैं। आप देख सकते हैं कि पीचेस या फिर रेड्स, मरून्स, रेड्स एंड मरून्स तो क्लासिक है, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी ब्राइड है, शी इज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट वो ब्राइट पिंक्स या पर्पल्स, लाइट पिंक्स, बेबी पिंक्स चूड़ा आप पहनना पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपका आपको क्लासिक या फिर सिंपल लुक चाहिए तो आप थोड़े रेड बैंगल्स के साथ, जो प्लेन है उनके साथ आप कुंदन वाले बैंगल्स को मिक्स करके पहन सकते हैं। लेकिन जो चूड़ा ओरिजिनल रहता है उसमें रेड एंड वाइट बैंगल्स का कॉम्बिनेशन रहता है, तो आप वाइट बैंगल्स के बीच में आप इस तरह के स्टडेड बैंगल्स सेट ऑफ डाल सकते हैं, या फिर इस तरह के एग्जीक्यूटिव कट वर्क टाइप के बहुत ही एम्ब्रिस्ड टाइप के वाइट बैंगल्स डाल सकते हैं, कलरफुल सेट ऑफ वाइट बैंगल्स मिक्स कर सकते हैं। आजकल जो ट्रेंड में चला है वो है हेवीली एम्ब्रिस्ड बैंगल्स चूड़े में, चूड़े के साथ इस तरह के हेवी स्टडेड बैंगल्स ऐड करते हैं। तो अगर आपका लहंगा जो है, आप उस तरह से अगर आपका लहंगा थोड़ा गोल्ड टोन में है तो आप डायमंड क्रिस्टल्स के बैंगल्स मिक्स करके चूड़े के साथ पहन सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे वैरायटीज एंड कलर्स ऑफ चूड़े अवेलेबल हैं, तो आप अपने प्रेफरेंस के साथ खरीद सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिया है, तो आप उससे भी जाके पंजाबी चूड़ा खरीद सकते हैं। अगर आपके नेबरहुड में अवेलेबल नहीं है, आपके घर के आसपास या मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत सारे इंस्टा स्टोर भी इसको बेचते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि आप उन्हीं सेलर से लीजिए जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। ये जो पंजाबी चूड़े आप देख रहे हैं कि अगर ब्राइड चाहती है कि सिंपल लुक हो, मिनिमल लुक हो, तो वो ऐसे सिंपल लुक जा सकती है। एक एक बैंगल क्रिस्टल वाला या फिर कुंदन वाला ऐड कर सकती है, या फिर इस तरह का रेड बैंगल्स ज़्यादा ऐड करके वाइट को थोड़ा 4 या 6 रख सकते हैं इस तरह। अगर आप लाइट लहंगा पहन रहे हैं तो आप मैरून या रेड चूज़ करें। अगर आप डार्क लहंगा पहन रहे हैं तो आप लाइट बेबी पिंक या फिर सिंपल कलर्स या फिर लाइट पर्पल, आप इस तरह के कलर्स चूज़ करके आप चूड़ा में पहन सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो एक्ट्रेसेस शादी करती हैं तो वो प्रेफर करती हैं कि पंजाबी चूड़ा पहने। हालांकि आप देख सकते हैं कि 3 मंथ्स तक बॉलीवुड एक्ट्रेस उनके हाथों से नहीं निकालते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा इंडियन ट्रेडिशन है पंजाबी चूड़ा को पहनना। शादी के बाद वो एक मतलब निशानी के तौर पर रहती है कि ये न्यूली मैरिड कपल है, तो न्यूली मैरिड वुमेन है, तो ये इसीलिए आप डिफरेंट स्टाइल्स और स्टाइलिश बैंगल्स पहने, क्योंकि आप एवरीडे डेली बेसिस पे आप इसको कैरी करेंगे नेक्स्ट द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स to 6 मंथ्स। तो अगर आपको रोज़ाना पहनना तो आपको क्वालिटी भी अच्छी चूज करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको वो चुभेगा या फिर अनकम्फर्ट डिसकम्फर्ट फील होगा। तो आपको चाहिए कि आप सही यानी कम्फर्टेबल यानी गुड क्वालिटी के आप पंजाबी चूड़े ऑप्ट करें। तो ये जो पंजाबी चूड़े हैं ये अफोर्डेबल भी हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स, डायमंड्स वो भी चाहिए तो आपको 1500 के अंदर बहुत ही गॉर्जियस और फ्रेडी वाले मिल जाएंगे। ये ग्लास में भी आते हैं, प्लास्टिक में भी आते हैं, और तो ये अगर आपको अनब्रेकेबल चाहिए तो आप लाइटवेट प्लास्टिक में जाइए। अगर आपको क्लासिक यानी ओल्ड गोल्ड फील चाहिए तो आप ग्लास को भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली प्लास्टिक में ही आते हैं। आजकल के ब्राइड्स फास्ट भी पसंद करना चाहते हैं, तो कंफर्ट के हिसाब से आप अपना पंजाबी चूड़ा चूज़ कर सकते हैं।
पंजाबी चूड़े की जो सबसे ही अमेजिंग और फैंटास्टिक बात ये है कि आप अगर पोस्ट वेडिंग फंक्शंस में या फिर पोस्ट वेडिंग आप इसको पहनेंगे, आप चाहे हनीमून पे जा रहे हैं तो आप वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस पहनेंगे या फिर इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ, ये हर कोई आउटफिट के साथ खूबसूरत लगता है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको लहंगे के साथ ही कैरी करें या फिर देसी आउटफिट्स के साथ कैरी करें, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड एंड एलिगेंट लगता है अगर आप इसे वेस्टर्न आउटफिट्स या फिर जीन्स के साथ या फिर शॉर्ट्स के साथ या फिर मिडी ड्रेसेस या फिर मिनी के साथ भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे से कैरी किए हैं पंजाबी चूड़े को सारे आउटफिट्स के साथ। जो पंजाबी चूड़ा का ट्रेडिशन है, ये पंजाब में ऐसा है कि अगर न्यूली मैरिड ब्राइड है तो उसको एटलीस्ट 40 डेज के लिए पंजाबी चूड़े को विदाउट रिमूव उसको 40 डेज के लिए रोज़ाना पहनना है। तो इस वजह से आप और द लेटेस्ट ट्रेंड्स के पंजाबी चूड़े चूज़ करें, क्योंकि आपको 40 डेज आप बहुत सारे आपके रिलेटिव्स को मिलेंगे, सब आपको कंग्रेचुलेट करने आएंगे, तो आप सबकी नज़र आपके चूड़े पे पड़ेगी। सो यू माइट वांट टू चूज़ द बेस्ट अमंग द बेस्ट। तो इसलिए आई सजेस्ट दैट यू इन्वेस्ट इन अ गुड पंजाबी चूड़ा, और ये एक मेमोरी के टाइप पे यादगार भी रहेगी, सारे आपके वेडिंग फोटोग्राफ्स में रहेंगे। तो या यू हैव टू चूज़ वाइजली, आपके सारे फोटोग्राफ्स में चूड़ा रहेगा, तो आप सही तरह का पंजाबी चूड़ा चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये पंजाबी जो शादी रहती है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है सारे पंजाबी वेडिंग एंसेंबले का। तो पंजाबी ब्राइड्स ही नहीं, इसको मैंने बहुत सारा मतलब कल्चरल मिक्स्ड वेडिंग्स पे जहाँ पे दो या तीन ब्राइड या फिर ब्राइड ग्रूम पंजाब से हो सकता है या फिर वो दूसरे स्टेट से हो सकते हैं, लेकिन पंजाबी कल्चर को दिखाने के लिए वो चूड़ा पहनते हैं साड़ी के साथ हो या फिर जो भी उनका साउथ इंडियन सिल्क साड़ी के साथ पहनते हैं, बहुत फ्रेंडली लगता है। तो ये बहुत सारे लोग तो इतना पसंद करते हैं कि सारे एंटायर ईयर पूरा साल इसको पहनते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है इसलिए इस वजह से। तो ये मैटरनल अंकल जो रहता है, अंकल जो लड़की के अंकल रहते हैं वो देते हैं ट्रेडिशन के हिसाब से। आई होप कि ये सारे आपको डिज़ाइंस अच्छे लगे होंगे, आप इसमें चूज़ कर सकेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, बाय।